जोधपुर, जो अपने बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। ये उन लोगों के लिए खूबसूरत प्लेस है जो कल्चर को पास से देखना पसंद करते हैं। जोधपुर की स्थापना 1459 में राठौड़ कबीले के मुखिया राव जोधा ने की थी। इस शहर को सूर्य नगरी से भी जाना जाता है। चलो तो चलते हैं फिर टू एक्सप्लोर द जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है, तो फिर सबसे पहले चलते हैं ब्लू सिटी। यहाँ जाने के लिए आपको ऑटो से ही जाना होता है, क्योंकि यहाँ की गलियाँ इतनी पतली होती है कि यहाँ कार नहीं जा सकती। यहाँ एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर आपको घरों के कलर ब्लू दिखाई देते हैं। ये मेहरानगढ़ फोर्ट है, और मेहरानगढ़ फोर्ट से आप देखोगे ना नीचे, तो ये पूरे घर जो है ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। और स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे ब्लू कलर दिया हुआ है। और अंदर जाने की गलियाँ देखिए, कितनी पतली गलियाँ है, ये देखिए। कीड़े इंसेक्ट्स ना आए, इसीलिए यहाँ के लोगों ने घरों को ब्लू कलर दिया हुआ है। मेहरानगढ़ फोर्ट, ये फोर्ट जोधपुर सिटी का आकर्षक केंद्र है। हालांकि इस किले का निर्माण मूल रूप से 15वीं शताब्दी के बीच जोधपुर के संस्थापक राव जोधा द्वारा किया गया था, लेकिन 500 वर्षों में उनके वंशजों द्वारा कई महलों और संरचना के साथ इसका विस्तार किया गया था। आज जो किला खड़ा हुआ है वो 17वीं शताब्दी का है, और इसे महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। यह किला करीब 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है।
किले के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहां आप रॉयल चीज़ों को एक एक बहुत बड़ा कलेक्शन देख सकते हैं। इस म्यूजियम में 14 कमरे हैं, जिनमें शाही हथियार, गहने और कपड़े रखे हुए हैं। इसके अलावा पर्यटक यहाँ मोती महल, फूल महल, शीशा महल और झांकी महल जैसे 4 कमरे भी देख सकते ये जो प्रॉपर फोर्ट है, वहाँ से 200-300 मीटर चल के आए हैं। यहाँ आने के बाद यह देखो, यह तोहफे वगैरह रखी हुई है और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और ये थोड़ा रूफ टॉप पे, पूरा फोर्ट ही रूफ टॉप पे है, लेकिन यहाँ से व्यू ज़बरदस्त है। तो ये देखो, यहाँ पे तोहफे रखी हुई है। मूवी की मोस्टली शूटिंग यहाँ पर ही होती है। और सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है फोर्ट का, वो है वो टेम्पल, तो उधर हमें जाना है। अगर आपको एक किला पूरी तरह से घूमना है, डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्रॉपर गाइड लगा सकते हो, गाइड के अलग चार्जेस है। और जहाँ आप जो टेंपल है, जो स्पेशली अट्रैक्टिव अट्रैक्शन है, जो वो टेंपल स्पेशली अट्रैक्शन है इस फोर्ट का, वहाँ से ब्लू सिटी का व्यू ज़बरदस्त दिखता है और सनसेट सनराइज भी अच्छा है। लेकिन 5 बजे के बाद ये जो फोर्ट है वो ऑफिशियली बंद हो जाता है। ये देखो ये टेम्पल और ये फोर्ट का अट्रैक्टिव प्लेस क्यों है, तो इसके लिए। यहाँ से ब्लू सिटी का व्यू आप देखो। आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी
73 मीटर ऊंचा है मेहरानगढ़ फोर्ट। चलो जी टाइम अभी जसवंत थाड़ा जाना है, मेहरानगढ़ फोर्ट तो देख लिया लेकिन लाइविश है फोर्ट, मतलब फोर्ट लाइविश है। अभी ये जसवंत थाड़ा यहाँ से कितने टाइम लगेगा जाने में हमें? ये सामने वाला ही है सर, ये जसवंत थाड़ा है सामने वाला, ये पार्किंग है और जसवंत थाड़ा जाने के लिए रास्ता यहाँ पे और सामने ये मेहरानगढ़ फोर्ट है। यहाँ पे 30 रुपीज का टिकट है, टिकट काउंटर पार्किंग के पास ही टिकट काउंटर है। 30 रुपीज टिकट, अगर आप गाइड लेते हो तो गाइड के चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं और पूरे ट्रिप के लिए 100 रुपीज चार्जेस है। जसवंत थाड़ा, इसे मेवाड़ का ताजमहल कहते हैं। दरअसल ये जगह अपने संगमरमर से बने स्मारक के लिए फेमस है। स्मारक का निर्माण महाराजा सदर सिंह द्वारा 1899 में करवाया गया था। इस मार्क में न केवल सफेद मार्बल का इस्तेमाल हुआ है बल्कि यहाँ आपको लाल रंग के भी मार्बल दिख जाएंगे। इस दौरान इसका खर्चा करीब 2,84,000 के करीब आया था। स्मारक के अंदर आपको मेवाड़ के समय के राजाओं की तस्वीर मिल जाएंगी। अगर आप जोधपुर आते हो तो जसवंत थाड़ा को जरूर विजिट कीजिएगा। जसवंत थाड़ा की बैक साइड में आया हूँ और यहाँ से व्यू देखो, यहाँ से उम्मेद भवन पैलेस दिखाई दे रहा है क्लियरली वहाँ पे,
और ये जोधपुर सिटी का व्यू। अभी वहाँ जाना है, ये मेहरगढ़ फोर्ट है और ये जसवंतथाड़ा। मेहरगढ़ फोर्ट और जसवंतथाड़ा में कोई डिस्टेंस नहीं है। और यहाँ पे मुझे कुछ छतरियाँ दिख रही है। तो चलो, उम्मीद भवन पहले चलते हैं। डेढ़ घंटा तो इधर चला गया अपना। चलो उम्मीद भवन पहले चलते हैं। अभी उम्मीद भवन पैलेस, यह पैलेस राजस्थान के जोधपुर में स्थित एक बेहद ही शानदार और खूबसूरत महल है। इस पैलेस का निर्माण महाराजा उमेश सिंह ने 1929 से शुरू करवाया था और यह महल साल 1943 में बनकर पूरा हुआ था। ये शानदार उमेश भवन पैलेस मौजूदा समय में तीन हिस्सों से विभाजित है। पहला हिस्सा है रॉयल निवास। यह रॉयल निवास को शाही परिवार का घर माना जाता है। कहा जाता है कि यह किसी भी आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे हिस्से में है म्यूजियम, या हम जा सकते हैं। उम्मेद भवन पैलेस के म्यूजियम में मध्यकाल के कई तस्वीरों, स्मृति चिन्ह, तलवार और बर्तन आदि को रखा गया है। और तीसरा हिस्सा उम्मीद भवन पैलेस होटल को कहा जाता है। इस महल के इस तीसरे हिस्से को 1971 में होटल को तब्दील कर दिया गया था, जिसमें लगभग 70 से अधिक कमरे हैं। पैलेस से आउटसाइड आने के बाद अभी जो पार्ट है वहाँ हम जा नहीं सकते। ये भी पैलेस का पार्ट है, लेकिन ये प्राइवेट पार्ट है। उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो जो किंग थे, उनके नेक्स्ट जनरेशन अभी भी वहाँ पे स्टे करते हैं। तो यहाँ से लॉक किया हुआ है, हम विकाट एक्सेस दिस प्लेस। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। हमें सिर्फ इतना ही एक्सेस करने को मिलता है, ये देखिए। और ये पार्ट हमें एक्सेस करने के लिए नहीं मिलता है। दिस इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये स्ट्रक्चर देख के चेस में जो वजीर होता है ना, उसकी याद आई। सीरियसली वैसे ही सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है वो। चलो, तो फिर हमने आज जोधपुर में चार प्लेसेस एक्सप्लोर किए हैं और चार ही प्लेसेस ब्यूटीफुल है यार, देखने लायक है, वर्थ है। चार्जेस है लेकिन वर्थ है। ब्यूटीफुल प्लेसेस है, आर्किटेक्चर जो है, जसवंतथाड़ा का जो मार्बल का कंस्ट्रक्शन है, सब ब्यूटीफुल है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।